English class 3, unit number 5, a visit to the museum. Visit, सैर करना, जाना, museum, अजायब घर में, किसी भी अजायब घर में जाना. Museum is a place where we put rare and unique things. A museum is a place where you can see a collection of rare and unique things. Museum वो जगह है जहाँ पर rare, जो बहुत कीमती, जो चीज़ें बहुत कम पाई जाएँ वो रखी जाती है, और यूनिक रखी जाती है, जिनके जैसी दूसरी ना हो. पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल थिंग्स ऑफन विजिट अ म्यूज़ियम, और जिन लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं वो म्यूज़ियम ज़रूर जाते हैं. इट इज़ अ लार्ज बिल्डिंग दैट स्टोर्स एंड कंटेन्स एंशिएंट थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द प्रेजेंट. पास्ट की जो कीमती चीज़ें हैं और प्रेजेंट की जो चीज़ें अहम हैं उनको इसमें रखा जाता है और स्टोर किया जाता है, सेव रखा जाता है. लास्ट मंडे माई स्कूल अरेंज अ विजिट टू द लाहौर, और लास्ट मंडे मैं अपने स्कूल के साथ लाहौर गई है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द माल रोड. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एज आई हैड नेवर विजिटेड अ म्यूज़ियम बिफोर. और जो स्टूडेंट, जो चाइल्ड हमें बता रहा है वो कह रहा है कि मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इससे पहले मैं म्यूज़ियम नहीं गया था. वी अराइव एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 10 AM. हम तकरीबन 10 बजे म्यूज़ियम पहुँचे. आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स वेंट अलॉन्ग विद अस. हमारे प्रिंसिपल और टीचर हमारे साथ गए. व्हेन आई एंटर्ड द म्यूज़ियम डोर आई वॉज अमेज्ड टू सी मैनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी. जब मैं उसके डोर से एंटर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे हैरान कर रही थीं. आई फेल्ट एज इफ आई हैव एंटर्ड अ वर्ल्ड ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर. और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पुराने ज़माने के सिविलाइजेशन में, तहजीब में, लोगों में, उस आर्ट, उस कल्चर का हिस्सा बन गया हूँ. The museum consisted of many big halls and galleries. These galleries had different names according to the variety of things placed in them. और galleries थी, बहुत बड़े बड़े halls थे, और galleries में उन चीज़ों के according जो उसमें place की गई थी उनके नाम थे. जैसे painting galleries हो गई, इसको art gallery का नाम दिया गया, jewelry की होगी, ऐसे different.